आओ मेरे प्यारे बच्चों, नानी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं साबूदाने के बड़े बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेंगे। ये देखिए, साबूदाने के बड़े बनाने के लिए हमने 250 ग्राम साबूदाना लिया है और इसको 3 घंटे से भिगो के रखा है। और अब ये देखिए, ये भीग गए हैं और साबूदाने के बड़े बनाने लायक हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ साबूदाने के बड़े बनाने में कौन कौन से मसाले पड़ेंगे। देखिए, ये मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको भून के दरदरा पीस के और साबूदाने में डालती हूँ। ये मैंने 4 हरी मिर्ची ली है और इनको बारीक काट के और ये साबूदाने में डालती हूँ। ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको काट के मैंने रखा है। अब इसको अभी मैं साबूदाने में डाल रही हूँ। ये मैंने 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ली है, इसको भी डाल रही हूँ। ये मैंने सेंधा नमक स्वाद अनुसार लिया है, इसको भी मैं डाल रही हूँ। ये 1/2 कटोरी सिंगाड़े का आटा है, इसको भी मैं साबूदाने में डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ। ये मैंने 4 आलू लिए हैं और इनको उबाला है, उबाल के छील के और ठंडा करके रखे हैं। अब मैं इनको कद्दूकस करके और साबूदाने में मिलाऊंगी। अब मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं, अब मैं परात में डाल रही हूँ। जो मैंने साबूदाना का मिक्सचर तैयार किया था वो मैं परात में डाल रही हूँ। अब हमें इसको मिला के बड़े बनाने हैं। अब हमें 2 चम्मच घी डाल के मिलाना है। अब हमने इसे मिला लिया है, अब इसके बड़े बनाने हैं। देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। अब इसी तरह से हमें सारे बड़े तैयार करने हैं। ये देखिए, हमारे सारे बड़े बनके तैयार हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई गरम करती हूँ। अब हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ।